क्वेश्चन नंबर एक, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? आपके ऑप्शन है ए तेग बहादुर, बी हर राम, सी गोविंद सिंह, डी हर किशन। इसका सही जवाब है सी गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर दो, राज्य क्षय हड़प नीति जप्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? आपके ऑप्शन है ए कैनिंग, बी हेस्टिंग्स, सी डलहौजी, डी विलियम बेंटिक। इसका सही जवाब है सी डलहौजी। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? आपके ऑप्शन है ए आर्कटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी हिंद महासागर। इसका सही जवाब है डी हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर चार, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड बेंटिक। इसका सही जवाब है ए लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर पाँच, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आपके ऑप्शन है ए 9वीं, बी 10वीं, सी 12वीं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर छह, सलाल बाद निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए चेनाब, बी सतलज, सी महानदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए चेनाब। क्वेश्चन नंबर सात, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही जवाब है सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर आठ, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? आपके ऑप्शन है ए राजकीय भाषा आयोग, बी संघ लोक सेवा आयोग, सी योजना आयोग, डी वित्त आयोग। इसका सही जवाब है सी योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर नौ, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? आपके ऑप्शन है ए चंबल नदी, बी कोसी नदी, सी घाघरा नदी, डी नर्मदा नदी। इसका सही जवाब है ए चंबल नदी। हमें उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? आपके ऑप्शन है ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी सेना प्रमुख, डी इनमें से कोई नहीं।